हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रजनी मॉम केयर इंडिया। तो आज हम काफी दिन बाद मिल रहे हैं, बट आपसे मिलके मुझे बहुत खुशी होती है और मैं अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो आज हम बात करेंगे एक न्यू टॉपिक के बारे में, जो कि ये है कि अर्ली साइंस क्या है। अगर बच्चे के अंदर ऑटिज्म हो जाता है बच्चे को, तो क्या ऐसे साइंस है जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बच्चे को ऑटिज्म है। तो ऑटिज्म, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि ऑटिज्म होता क्या है। ऑटिज्म एक ऐसा बिहेवियर है चाइल्ड का, जिसमें चाइल्ड खुद को शाय फील करता है और वो ज्यादा किसी से बात नहीं करता है। कई केसेस मैंने देखे हैं ऑटिज्म के, जिसमें बच्चे बहुत कम बोलते हैं, या फिर कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें बच्चे सुनते नहीं है बात, वो अपने ही दुनिया में मगन रहते हैं। कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं। तो मैं आपको आज कुछ बताना चाहूंगी ऑटिज्म से रिलेटेड, जो कि है कि अगर बच्चा 12 मंथ्स की एज में आ जाता है, बट ही इज नॉट अटरिंग एनी साउंड, ही इज नॉट सेइंग एनीथिंग आ आ बा बा, या वो कुछ भी नहीं बोल रहा है, तो फिर आप दैट इज अ अलार्मिंग सिचुएशन, दैट इज अ रेड फ्लैग कि अब बच्चा कुछ नहीं बोल रहा है। सो इन दैट टाइम द पेरेंट्स शुड कंसल्ट द डॉक्टर और कैन टेक अ हेल्प ऑफ एनी सीनियर पर्सन। सो अगर बच्चा आई कॉन्टेक्ट नहीं यूज कर रहा है, अगर आपको लग रहा है आप कुछ बता रहे हो, कुछ दिखा रहे हो, एंड यू आर शोइंग एनीथिंग एंड यू आर पॉइंटिंग समथिंग, एंड देन द किड इज नॉट एबल टू सी एंड ही इज नॉट मेकिंग अ आई कॉन्टेक्ट, देन ऑल्सो देर इज अ चांस ऑफ ऑटिज्म। सो ऑटिज्म कुछ ऐसा है कि जो कि काफी हद तक ठीक किया जा सकता है। ये ऐसा नहीं है कोई हार्ड एंड फास्ट। अगर बच्चे को प्यार मिलता है और पेरेंट्स का कोऑपरेशन होता है, घर वालों का कोऑपरेशन होता है, स्कूल का कोऑपरेशन होता है, तो बच्चे काफी ठीक हो जाते हैं। मैंने काफी केसेस देखे हैं जिसमें बच्चे काफी चीजें खुद से कर रहे हैं और वो नॉर्मल स्टेट में आ गए हैं। सो दिस इज समथिंग विच पेरेंट्स नीड टू टेक केयर, बिकॉज ऑटिज्म जो है वो लॉकडाउन के टाइम पे आई हैव सीन केसेस हैव इंक्रीज्ड ड्यू टू लॉकडाउन। द बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड हैव चेंज्ड बिकॉज वो काफी घर में रहते थे, बंद रहते थे, दे यूज टू यूज द गैजेट्स, पेरेंट्स वे वर्किंग, सो द चाइल्ड्स हैव सफर्ड। सो देयर आर मेनी थिंग्स विच वी कैन आइडेंटिफाई कि बच्चे के अंदर ऑटिज्म की कुछ साइंस आ रही हैं, बट जैसा कि मैंने बताया कि इसको हम क्योर कर सकते हैं कुछ चीजों से। बच्चे को प्यार बहुत जरूरी है इस केस में। हम बच्चे को जितना प्यार दे सकते हैं, जितना टाइम दे सकते हैं, जितना सपोर्ट दे सकते हैं, बच्चा उतना ही ज्यादा अच्छा करेगा। तो प्लीज बताइए, कमेंट करिए आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।